तेरा तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तो यहां पर आपको बताना है किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है। चलिएगा, कथक की है, उड़ीसी की है, भरतनाट्यम की है या फिर कुचिपुड़ी की है? तो यहां पर आपको बताना है इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा। तो चलिएगा, यहां पर इसका करेक्ट आंसर करेंगे सभी लोग, यहां पर देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। बिल्कुल यहां पर देखिए, जो लोग भरतनाट्यम करें, भरतनाट्यम उसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भरतनाट्यम का जो अंतिम वंश होता है वो तिल्लाना कहलाता है। इस अंश को क्या होता है, नारी जो है ना बहुत सुंदर तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन करती है, यह अत्यंत बहुत ही आकर्षक होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर, याद रखेंगे सी नंबर आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर निम्न में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? भाई कौन सा एक नृत्य नाटक है ये आपको बताना है। कथक है, कथकली है, मणिपुरी है, उड़ीसी है? चलिएगा, इसका राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, आप सभी लोग यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे नृत्य नाटक है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका देखिए डी नंबर कर रहा है, कथकली इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक आपका देखिए ये कहाँ का, यूपी का है, कथक आपका यूपी का है, याद रखेंगे। और मणिपुरी आपका देखिए मणिपुर का है, और उड़ीसी आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो यहाँ पर आपको बताना है, पंजाब में आपको बताना है अनाज काटते समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो ये आपका देखिए उड़ीसी हो जाएगा, गरबा हो जाएगा, कथक या भांगड़ा? तो बिल्कुल यहाँ देखेंगे भांगड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा यहाँ पर आपका राइट आंसर, भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य शैली है। यह जो है नृत्य है बैसाखी के समय फसल कटाई के समय भाई गाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर क्या होता क्या है, व्यक्ति जो होते हैं लुंगी पहनकर और पगड़ी बांधकर और जैसे घेरे टाइप के होते हैं ना, उसी घेरे तरीके से डांस किया करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भाई गरबा आपका कहाँ का, ये आपका गुजरात का हो जाएगा, उड़ीसी आपका ये अभी बताया है उड़ीसा का हो जाएगा, कथक आपका यूपी का हो जाएगा। चलिएगा, निम्न में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? आवश्यक रूप से एकल नृत्य है ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इसको सभी लोग याद रखेंगे। कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी, कथकपुड़ी और या फिर मोहिनीअट्टम या फिर कुचिपुड़ी? तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे मोहिनीअट्टम आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहिनीअट्टम आपका यहाँ पर देखिए कहाँ का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का मोहिनीअट्टम। और आपका कुचिपुड़ी भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, याद रखेंगे कुचिपुड़ी जो है ना ये भी आपका देखिए आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। चलिएगा, मणिपुर का देखिए आपका मणिपुरी और आपका नूपा नृत्य, ये आपका कहाँ का है, मणिपुर का है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का आपको बताना है कौन सा लोक नृत्य है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य हो जाएगा सभी को पता है कौन सा है, तमाशा आपका हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट। हम अभी सारे बता चुके हैं इसके बारे में, तो हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए तमाशा आपका करेक्ट बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग और यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तेरा शुभा मुद्गल से संबंधित है, शुभा मुद्गल है जो भाई किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ये किससे संबंधित है, ये आपके देखिए हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, तो आपका बताना है कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, फिर मणिपुरी? तो यहाँ पर आपको देखना है पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर मणिपुरी, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। क्या हो जाएगा, मणिपुरी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? भारत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है किस राज्य से हुई है, तो सभी को पता है केरल है, गुजरात है, उड़ीसा है, तमिलनाडु? तो ये आपकी कहाँ से हो जाएगी, तमिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भरतनाट्यम को ही सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, भी याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? अब यहाँ पर आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, देखिए कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी ये तीनों तो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, और बाकी ये जो बचा है आपका बकाबू, तो ये आपका कौन सा, ये जापानी नृत्य है एक तरीके से, बकाबू जो है ना जापानी नृत्य है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर का एक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का भाई, कुचिपुड़ी आपका देखिए आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है, और आपका उड़ीसा जो है ना उड़ीसी का आपका। चलिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है? उड़ीसी से भाई संबंधित है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, सी नंबर उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनको मिलान करना है, बिहू आपका कहाँ का है, देखें बिहू, गरबा, तमाशा, नौटंकी, तो इन सब का मिलान करना है और इसका राइट आंसर आपको करना है भाई क्या हो जाएगा।
तो बिहू बात करेंगे, बिहू आपका कहाँ का भाई, असम का, गरबा आपका है गुजरात का, और आपका देखिए तमाशा कहाँ का, महाराष्ट्र का, नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ देखिए बिहू मिला देंगे, P3 है आपका, P3 है आपका, P3 है आपका, और आपका देखिए Q1 हो जाएगा, Q1 हो रहा है, और आपका देखिए R4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका B नंबर एकदम ही राइट आंसर भाई हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो अभी बताया हमने गरबा नृत्य जो है ना ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका गुजरात से संबंधित है, गुजरात आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर, गिद्धा आपको बताना है, गिद्धा तो गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। 30 नंबर देखेंगे तो गिद्धा आपका कहाँ से भाई, ये आपका पंजाब से हो जाएगा, पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पंजाब, बिल्कुल यहाँ होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ बनेगा, चलिएगा। कह रहा है कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी आपको अभी बताया था आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कुचिपुड़ी, आप देखिए दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो ये कहाँ की है आपकी, आंध्र प्रदेश हो जाएगी, क्या कहाँ की हो जाएगी, आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई, देखिए करेंट अफेयर्स भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, करेंट अफेयर की क्लास भाई देखिए त्रिभुवन स्टार्ट कर देंगे, जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है आपकी, 2 दिन में अंदर, 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे कुली कल्ली किसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जस्ट देखिए आया था, पुली कल्ली की बात कर रहे हैं, पुली कल्ली तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, पुली कल्ली जो है ना ये आपका केरल का हो जाएगा, केरल राज्य का लोक नृत्य है पुली कल्ली। चलिए हाँ मैथ देखिए कल आपसे मैथ जो DI है ना, DI आपकी कल से स्टार्ट है, DI की क्लास कल से तो स्टार्ट है, DI की सारी आपकी सीट कंप्लीट हो चुकी, कल से DI स्टार्ट है, बाकी मैथ तो आप देख चुके सारी कंप्लीट हो चुकी। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली आपको बताना है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 नंबर क्या हो जाएगा, कि मोहिनीअट्टम आपके कहाँ, केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहिनीअट्टम दक्षिण भारत में से विशेष रूप में भारत के राज्य से पारंपरिक लोक नृत्य है। यहाँ पर आपको बताना पारंपरिक नृत्य है आपका केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का। तो ये भी हमने बताया कहाँ का है आपका, केरल का हो जाएगा, कहाँ का है केरल का, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए जल्दी से फिर इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। हाँ बिल्कुल सही आंसर, यहाँ पर देखिए कह रहा है आसमान या भिन्न को पहचाना है, आसमान या भिन्न को पहचानना है, तो यहाँ पर आपको आसमान या भिन्न को पहचानना है, यहाँ पर आप इसका राइट आंसर करिएगा। ओडिसी है, कथकली हिप हॉप है, भरतनाट्यम है, तो बिल्कुल देखिए समझ में आ रहा है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए हिप हॉप क्या है, सी नंबर, सी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली आपका कहाँ है केरल, और यहाँ भरतनाट्यम आपको सभी को पता होगा पूरा, तो यहाँ पर देखिए कथकली केरल का हो जाएगा, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, उड़ीसी आपका उड़ीसा, सी आपका उड़ीसा का, ये सभी को पता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से संबंधित है, एक नहीं, कथक उत्तरी भारत का, गरबा गुजरात का, बिहू आसाम का, भांगड़ा पंजाब का। तो यहाँ पर आपको भिन्न चिन्ह करना है, कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो कथक आपका देखिए कहाँ का है, कथक अभी बताया था कहाँ का आपका, यूपी का है, उत्तरी भारत का नहीं, तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा ये नंबर इसका राइट आंसर, बाकी देखिए सारे सेम है, सभी बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं। कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है, कर्नाटक संगीत का एक राग है, ये आपको बताना है क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा कर्नाटक संगीत का एक राग, ठुमरी ख्याल है, टप्पा है या फिर सिंधु भैरवी है। तो बिल्कुल यहाँ पर भूलेंगे नहीं, आपका बी नंबर ही बिल्कुल ही रट लेना, सिंधु भैरवी आपका कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का एक राग है, इसको याद रखेंगे, जो प्रातः काल में गाया जाता है। और जबकि बात करेंगे ठुमरी ख्याल जो टप्पा है ना, ये हिंदुस्तानी पूरे शास्त्रीय संगीत के राग हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, 22 नंबर, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। कह रहा भारत की गजल क्वीन जिसे 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजल क्वीन के बारे में कह रहा कौन हो जाएगा यहाँ पर, भारत की गजल क्वीन कौन है, यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर, बेगम अख्तर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, क्या सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेगम अख्तर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर कह रहा पंडित नारायण राव बोर्ड हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित थे, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन संबंधित थे, तो यहाँ पर किराना घराना बनारस से या फिर रामपुर या फिर ग्वालियर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे 23 का जो आपका बनेगा, तो यह कहाँ से ग्वालियर घराने संबंधित थे, पंडित नारायण बोस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने संबंधित थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 24 नंबर जाएंगे, कह रहा है थिएटम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है।
तो यहाँ पर आपको बताना है थिएटम, ये कहाँ का भाई, केरल, किस राज्य का है भाई, केरल करेंगे, केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, केरल यहाँ का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य से जुड़ी है, यक्षगान आपको बताना है किस भारतीय राज्य से जुड़ी गई है, तो यक्षगान आपका कहाँ से, याद रखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यक्षगान आपका करेक्ट कर्नाटक हो जाएगा, यक्षगान हुआ आपका, ढोलू कुनीथा, ये सारे कर्नाटक के हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट। तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना में आपका देखिए जितने जैसे पेरीनाथ, शिव तांडव और बोनालू, ये सारे तेलंगाना के, उड़ीसा, उड़ीसी और तमिलनाडु का एक याद रखें, भारत नाट्यम आप जरूर याद रखेंगे। ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय संगीत, भारतीय संगीत की एक आम शैली है, कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर अनुष्का शंकर को, यह और आपका यम या सुबुलक्ष्मी या केसर बाई केरकर, तो यहाँ पर गिरजा देवी, तो यहाँ पर 26 में करेंगे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरिजा देवी से करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा तेलंगाना राज्य में लोक पीता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है, कौन सा लोक आपका, तेलंगाना की बात कर रहा है तो कौन सा भाई किया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा ओरिना तांडवम, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे बता चुके हैं आप, देख चुके हैं पीछे क्लास, देखेंगे आपको पता हो जाएगा। कैरा को संस्कृत पाठ में सप्तंत्री मृदा के रूप में जाना जाता है, जिसमें 72 ताल हैं, तो भाई किसको जाना जाता है ये आपको बताना है, संतूर है, खंजरी है, शारु है या सितार है, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर संतूर, देखिए एक वाद्य यंत्र है, संतूर को संस्कृत पाठ भाषा में बिल्कुल वीणा के रूप में इसको जाना जाता है, तो ये बना किसका होता है, देखिए अखरोट की लकड़ी का भाई बना होता था, इसमें क्या होता है 72 तार होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मल्लिका साराभाई का संबंध है क्रिकेट शास्त्रीय से, तानपुरा से, या फिर मल्लिका साराभाई आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए शास्त्रीय नृत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्लिका साराभाई जो भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखिए साराभाई, और जो देखिए ये मल्लिका साराभाई हैं, ये जो प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो वर्क करते थे, विक्रम साराभाई की बेटी है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में एक है, कर्नाटक संगीत की एक है, तो आपका देखिए बताना है मीरा, मीरा बाई, अनम व्याया, कालिदास या त्यागराज, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका त्यागराज यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है, जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ, तो कथकली का आरंभ भाई कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको बताना है, जल्दी से राइट आंसर करना है, तो ये भाई आपका हुआ था केरल में, कथकली आपका कहाँ हुआ था, केरल, कथकली मोहिनीअट्टम ये आपका केरल हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आप सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है, तमाशा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तमाशा नृत्य आपका देखें गुजरात है, महाराष्ट्र है या फिर राजस्थान या आसाम, तो तमाशा देखिए आपका कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 33 नंबर, कौन कुमारी पारियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है, जो प्रायः शादियों और बसंत, सर्दियों और बसंत के समय पर किया जाता है, करण है, झोरा है, रासलीला है, चापेली है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, देखिए चापेली जो लोग करें, चापेली या फिर छपेली या कुमाऊं पारियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है, जो प्रायः शादियों और बसंत ऋतु के समय पर गाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर 34 नंबर, और इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बताना है जो आपका कृष्णाष्टम है, निम्न से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, कृष्णाष्टम यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो भाई जितने अट्टम है सारे केरल तक होते हैं बिल्कुल, इसको याद रखें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो ये आपका केरल हो जाएगा, केरल यहाँ का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने जहाँ जितना भी ज्यादा अट्टम होगा वो केरल, मोस्टली केरल का ही होगा, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, कृष्ण की सारी कहानियां प्रस्तुत की गई हैं। बिहू नृत्य आपको देखिए बताना है, भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, बिहू बताना भाई कहाँ का है, भाई बिहू कहाँ का हो जाएगा, तो बिहू आप देखेंगे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे बिहू कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का आपको पता है कौन से प्रमुख नृत्य है, आपका देखिए मुखौटा हो जाएगा, बारछू, ये अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे, उड़ीसा का उड़ीसी और घूमर हो जाएगा, और एक बात पे हरियाणा का आपका हो जाएगा धमाल और घूमर सांग नृत्य, ये सारे आपके हरियाणा के हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर, क्या शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश या आसाम, तो भाई ये किससे संबंधित है, तो ये देखिए कथकली आपका कहाँ से, बहुत बार क्वेश्चन बता चुके हैं आपका कहाँ से संबंधित है, केरल से हो जाएगा, केरल से कथकली आपका केरल से हो जाएगा, तो केरल के आप देखें कौन सा है आपका कथकली और ओटम, ये जितने भी आए ये आपके केरल हो जाएंगे। उड़ीसा का देखिए उड़ीसी बताया हमने, और क्या बताया, घूमरा बताया है, छऊ भी है, और आंध्र प्रदेश का देखिए एक इंपॉर्टेंट आपको बताया कुचिपुड़ी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आसाम का बता चुके हैं अभी स्टार्टिंग, बिहू इसका हो जाएगा,
पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजी राव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के नृत्य का निर्देशन किया। हुए भारतीय नृत्य के किस रूप में प्रख्यात थे भाई? तो किस रूप में प्रख्यात थे भाई? यहाँ पर देखें कथक के रूप में प्रख्यात थे। ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। भारत का लोक नृत्य यह नहीं है, भारत का भाई लोक नृत्य नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है भारत का लोक नृत्य नहीं है तो मोहिनीअट्टम है, लावड़ी है, कालबेलिया है, बिरौप है। तो मोहिनीअट्टम देखिए केरल की महिलाओं द्वारा देखिए किया जाने वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर आपका देखिए ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि बाकी जो है ना ये आपका कालबेलिया, लावड़ी और राउप। कालबेलिया की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया का राजस्थान का, राउप आपका कहाँ? जम्मू का है। लावड़ी आपको पता है महाराष्ट्र का। ये तीनों क्या है भाई? भारत के लोक नृत्य हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है भाई, भाई मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ इसको बताना भाई। 39 नंबर। तो भाई कहाँ का मोहिनीअट्टम? सभी लोग राइट आंसर करेंगे केरल का। कहाँ का हो जाएगा भाई? केरल का हो जाएगा मोहिनीअट्टम। महाराष्ट्र का कौन सा है? लावड़ी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बात करेंगे तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे भरतनाट्यम, ठीक है ना। राजस्थान का याद रखेंगे भाई घूमर, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कूद नृत्य कहाँ पर, कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? कूद नृत्य है तो यहाँ आपको बताना कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। कूद नृत्य आपको बताना है कहाँ का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भाई जम्मू कश्मीर। कहाँ का हो जाएगा भाई? जम्मू कश्मीर याद रखेंगे। कहाँ का भाई? जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। राखल लीला जिसको बोलते हैं, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का? हरियाणा है, केरल है, आसाम है, फिर मध्य प्रदेश। तो राखल लीला की भाई बात करेंगे तो ये आपका कहाँ का हो जाएगा? ये बिल्कुल याद रखेंगे आपका असम का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा भाई? असम का हो जाएगा। असम का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। हरियाणा की बात करेंगे तो आपका खेड़ा घोड़ा स्वांग, ये सारे आपके हरियाणा। और बात करेंगे केरल, केरल का आपका हो जाएगा कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सारे केरल को हो जाएंगे। एमपी का ध्यान रखेंगे तेरताली और जावरा और माझ, एमपी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय, कह रहा है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है भाई? तमिलनाडु का यहाँ पर आपको बताना। देखिए लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग, ये क्लास इतने टाइम 9:15 बजे रेगुलर आपकी चलती है। अगर आपको 10 नंबर कंप्लीट करने हैं तो यहाँ घूमर का लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का है भाई? अभी बताया कहाँ का भाई? राजस्थान का भाई। कहाँ का हो जाएगा ये? राजस्थान। राजस्थान आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर, राजस्थान आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है भाई? राजस्थान का लोक नृत्य जो है ना आपको बताना है कौन सा है। तो ये भी आपका यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे कौन सा हो जाएगा? घूमर हो जाएगा, घूमर हो जाएगा। देखिए बहुत बार आया क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। पंडित जसराज किस क्षेत्र से प्रख्यात हैं? पंडित जसराज कह रहा किस क्षेत्र में? यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, शास्त्रीय संगीतकार में भाई। किसमें? शास्त्रीय संगीतकार आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा बॉलीवुड की जो गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया, आनंद बख्शी, गुलजार, साहिल लुधियानवी या समीर अंजान। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा? 47 में आपका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिएगा, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, ये आपको बताना है। राउत नचा या अच्छा हु या फिर कुची बड़ी या फिर कालबेलिया। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा 48 में? तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा? कुचीपुड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचीपुड़ी जो है ना एक शास्त्रीय नृत्य है आपका, लोक नृत्य नहीं भाई। कैसा नृत्य है भाई? कुचीपुड़ी आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। चलिए 49 देखिए, कह रहा है मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी भाई? तो यहाँ पर आपको बताना है मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी? तो भाई वो क्या थी भाई? शास्त्रीय नृत्यांगना थी। क्या थी भाई? सी नंबर, शास्त्रीय नृत्यांगना थी। यहाँ पर याद रखेंगे सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा भाई। क्या बनेगा? शास्त्रीय नृत्यांगना। देखिए कह रहा है मृणालिनी जो आपका दिया गया, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी है? तो पटचित्र से, तंजौर चित्रकारी से, या भरतनाट्यम से, या मधुबनी चित्रकारी से। तो भाई किससे जुड़ी है? तो यहाँ पर देखिएगा ये जुड़ी हुई है भाई भरतनाट्यम से। किससे जुड़ी है? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। जो देखिए यहाँ पर मृणालिनी है साराभाई ने दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखेंगे, यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन है, इसके 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ आपको बताना है किस भाग में हुआ? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में? तो यहाँ पर कुचिपुड़ी का बताना है, बहुत बार बता चुके, 50 बार बता चुके। कहाँ का भाई? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का भाई? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का क्या? कुचिपुड़ी आपका याद रखेंगे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट आपका तमाशा और लावड़ी, तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र का। तमिलनाडु याद रखेंगे, भरतनाट्यम याद रखेंगे। उड़ीसा जो है ना, उड़ीसी, उड़ीसा का जो उड़ीसी है तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य में आता है, तो इसको भी याद रखेंगे। सी नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ का है माछ आपको बताना? हरियाणा, केरल, असम या मध्य प्रदेश। तो माछ आपका कहाँ का है ये आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ का भाई?
मार्च जो है ना आपका ये कहाँ का है, एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है। बिल्कुल आपको यहाँ पर आपका डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा। मध्य प्रदेश के और हम बहुत सारे बताए थे, क्या बताया था, 13 तालीज जावरा और माझ, 13 तालीज जावरा और माझ अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा का, हमने क्या बताया था आपका खेड़ा घोड़ा और स्वांग, ये सारे हरियाणा के बताए थे, इंपॉर्टेंट इसी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते रहते इसलिए बता रहे। केरल की बात करेंगे, केरल आपका कथकली और मोहिनीअट्टम आ जाएगा यहाँ पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कर आप रुकमणी देवी कर अरुण डेल के बारे में क्या जानते हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे 53 नंबर। इसके बाद कह रहा है ब्रह्मवादी विद्या या फिर नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी, या फिर भी आज़ादी के बाद की एक प्रसिद्ध लेखिका थी, या एक पुरस्कार विजेता फिल्म निर्मात्री थी, या फिर रंगमंच से संबंधित थी। तो यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर बनेगा, वह एक शास्त्री ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी, तो इसलिए यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है भाई। नौटंकी अभी बहुत बार बताया, नौटंकी के लिए हमने 50 बार बोल चुका है, कौन सा हो जाएगा नौटंकी आपका बताना, कहाँ का हो जाएगा भाई, उत्तर प्रदेश भाई, कहाँ का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश से आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई, सी नंबर। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, रामखेलिया आपको बताना है भाई कहाँ का है। अभी देखिए कालबेलिया हमने बताया था, कालबेलिया आपका राजस्थान था, और रामखेलिया जो है ना, रामखेलिया जी लिखा है रामखेलिया, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, बिहार से, कहाँ से हो जाएगा, बिहार से हो जाएगा, बिहार का एक लोक नृत्य है, बिल्कुल जो है ना बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये बाकी आपको पता है हरियाणा मध्य प्रदेश सारा सब कुछ बता चुके हैं, हरियाणा का आपका देखिए बता चुके हैं खेड़ा घोड़ा स्वांग, और मध्य प्रदेश का बोल चुके हैं 13 ताली जावरा माछ, ये सारे आपके मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से मैं प्रसिद्ध थे भाई, राजा रवि वर्मा जो थे किस क्षेत्र में भाई प्रसिद्ध थे, तो भाई साहित्य में या संगीत में, चित्रकारी में, नृत्य में, तो सभी को पता भाई राजा रवि वर्मा जो थे भाई किस में, चित्रकारी में भाई प्रसिद्ध हुआ करते थे, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा भाई, क्या बनेगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। कह रहा कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताना है कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए, तो लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद या पुरी, बिल्कुल यहाँ पर आप जानेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर देखिए करेंगे। तो भाई देखिए कढ़ाई की चिकनकारी के लिए भाई कौन सा फेमस है, कौन सा शहर, लखनऊ, कभी लखनऊ जाइएगा तो वहाँ का चिकन जरूर खाइएगा, तो यहाँ पर देखेंगे चिकनकारी के लिए फेमस है, जबकि हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद क्या है निजामों या मोतियों के शहर के लिए फेमस किया जाता है, निजामों या मोतियों के शहर के लिए फेमस है भाई आपका हैदराबाद, और उड़ीसा जो है ना ये पुरी में चार पवित्र स्थानों के लिए आपका उड़ीसा आपका पुरी पुरी में पड़ता है, तो आपका देखिए चार स्थानों के पवित्र स्थान है उसके लिए आपका ये फेमस हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास तक हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, दूसरी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी, या फिर 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी, या 50वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी, या फिर 17वीं शताब्दी से आपकी 10वीं शताब्दी, या फिर 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, तो यहाँ पर आप राइट आंसर कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका ए नंबर, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा, क्या बनेगा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन और बचे हुए, हाल ही में सुर्खियों में रहा एक चित्रकारी रूप कलमकारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है, हाल ही में सुर्खियों में रहा चित्रकारी रूप कलमकारी किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य से भाई संबंधित है, बिल्कुल भाई यहाँ पर देखेंगे ये किससे, देखिए कलमकारी क्या एक शिल्प कला है, ये जो प्रसिद्ध है भाई आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है कौन, कृष्णा जिला, वहां से भाई ये संबंधित थी। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, द लास्ट सफर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, द लास्ट सफर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे क्लाद मेनू या मोजार्ट या माइकल एंजेलो या फिर लियोनार्डी लियोनार्डो दा विंसी, तो लास्ट द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने प्रसिद्ध किया था, लियोनार्डो दा विंसी ने प्रसिद्ध किया था। तो बताना कह रहा है मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस भाषा किस राज्य में से संबंधित है, मधुबनी चित्रकला शैली जो है ना ये कह रहा है किससे कहाँ से संबंधित है, ये आपको बताना है कहाँ से संबंधित हो जाएगी। चलिए इसको राइट आंसर करना है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, मधुबनी कहाँ से हो जाएगी, बिहार से हो जाएगी, बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुबनी का जो संबंध है मधुबनी चित्रकला का, तो दोस्तों ये कहाँ से, बिहार से इसका संबंध है, कहाँ से है, बिहार से इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए एक प्रकार का पेंटिंग का प्रकार होता है, क्या होता है भाई मधुबनी क्या है ना चित्रकला, ये एक प्रकार का पेंटिंग का प्रकार होता है, तो चलिए यहाँ पर सी नंबर देखिए जो लोग कर रहे हैं सी नंबर उनका राइट आंसर भाई बनेगा, क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर कह रहा इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया, तो बिहार के नाम पर रखा गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे
बूंदी, मेवाड़, कांगड़ा या मधुबनी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा आपका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, अभी हमने बताया मधुबनी, क्या बनेगा भाई? मधुबनी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुबनी यहाँ का बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग और अपने अपने कमेंट करते रहेंगे। करा किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो अमृता शेरगिल, राम किंगर या फिर एम एफ हुसैन या फिर अतुल डोंडिया। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है 63 नंबर में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे आपका अतुल डोंडिया आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतुल डोंडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर, क्या भाई हो जाएगा? डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुबनी कला क्या है भाई? मधुबनी कला क्या है? कहानी कहने की कला है, गुजरात की कला है, बिहार में प्रचलित लोक कला है, शहद निकालने की कला है। तो यहाँ पर यह बताना है आपको, मधुबनी कला आपको बताना है क्या है? मधुबनी कला आपको बताना है भाई, क्या हो जाएगी मधुबनी कला, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर, बिहार में प्रचलित लोक कला, बिहार में प्रचलित लोक कला हो जाएगी मधुबनी कला, ठीक है ना? यह लोक कला मिथिला क्षेत्र जो इसे दरभंगा हुआ, मधुबनी एवं नेपाल में प्रचलित होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे सी नंबर यहाँ का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। तो कहाँ से हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो आपकी है ना, कहाँ से संबंधित है? तो ये आपकी देखिए तेलंगाना से संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है बिल्कुल, यहाँ पर तेलंगाना राज्य से संबंधित हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से देखिए कौन सी के क्या चीज संबंधित है? गौंड चित्रकारी, क्या संबंधित है? गौंड चित्रकारी, इसको भी ध्यान रखेंगे सभी लोग। मध्य प्रदेश से गौंड चित्रकारी आपका संबंधित हो जाएगा, कौन सी? गौंड चित्रकारी, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाए कलमकारी, कलमकारी चित्रकारी, कलमकारी, कलमकारी चित्रकारी, ठीक है ना? तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर जो बनेगा तेलंगाना, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बाजी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा फुल्हारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुल्हारी भारत की भाई किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है, ये आपको बताना है। बिल्कुल देखिए सर आपकी फोटो स्टाफ है, तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल आप करेंगे 66 नंबर, देखिएगा फोटो भाई स्टाफ है, स्टाफ कर दी गई। फुलहारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो राजस्थान है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 66 नंबर का क्या हो जाएगा, तो पंजाब, क्या हो जाएगा? फुलहारी भारत किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई, पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे रेशम के धागों के तरह तरह की जो है ना आकृतियां बनाने की जो कढ़ाई होती है उसको ही क्या कहते हैं? फुलहारी, फुलकारी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फुलकारी, फुलारी नहीं, फुलकारी बोलते हैं, ठीक है ना? फुलकारी नाम से जानी जाती। यह मुख्य रूप से कहाँ? पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए फेमस है, पंजाब और आप देखें याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? कालिदास द्वारा कुमार संभवम, मालती माधव या फिर किरातार्जुनीयम, या फिर किरातार्जुनीयम और कुमार संभव दोनों। तो यहाँ पर आपको कह रहा है किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर आपको बताना है भाई किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई थी। तो बहुत बार बताया आपका कुमार संभवम, किसके द्वारा? कुमार संभवम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास द्वारा देखें कुमार संभवम हुआ आपका, और यहाँ पर देखें मेघदूतम और अभिज्ञान संकुतलम, मेघदूतम और आपका अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी किसकी हो जाएंगी? ये आपकी कालिदास की हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल राइट आंसर, देखिए यहाँ पर जो बात करेंगे आपकी जो मालती भाव माधव है, मालती माधव की बात करेंगे किसकी? भवभूत की है, किसकी है? भवभूति,
मालती माधव हो जाएगी और आपकी ये इसकी हो जाएगी महावीर चरित्र, ये भी इसकी भवभूत की हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। तो चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। नो स्पिन नामक पुस्तक की आत्मकथा किसकी है, नो स्पिन नामक पुस्तक की आत्मकथा किसकी है, तो ये आपकी हो जाएगी अनिल कुंबले, शेन वाम या फिर मुथैया मुरलीधरन या फिर बिशन सिंह बेदी। तो भाई ये किसकी हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे ये आपकी हो जाएगी शेन वॉन, किसकी हो जाएगी, शेन वॉन की हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपका, शेन वॉन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक आपको बताना है कौन थे। तो भाई ये कौन थे यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर सभी को पता हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी कविता में के लिए इन्होंने 1913 को इनको ही क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कविता संग्रह गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर आपको बताना है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद या इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो भाई कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है आपको याद रखेंगे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक हो जाएगी। अब्दुल कलाम आजाद की जो याद यहाँ पर देखेंगे अब्दुल कलाम आजाद, तो यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो इनकी हो जाएगी इंडिया विंग्स फ्रीडम और गुब्बारे खातिर हो जाएगी। इंदिरा गांधी की जो बात करेंगे, इंदिरा गांधी की एक है आपकी माई ट्रूथ, आपको सभी को पता हो गया एक इटर्नल इंडिया, ये आपकी इंदिरा गांधी की हो जाएंगी। जवाहरलाल नेहरू की तो सभी को पता होगा भारत की खोज और एन ऑटोबायोग्राफी विश्व इतिहास की झलक, ये तीनों किसकी हो जाएंगी, आपकी जवाहरलाल की हो जाएंगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया था, तो यहाँ 71st में देखें किस में किया था, तो शशि थरूर ने, ओनोस ईरानी ने या फिर नमिता गोखले ने या फिर विक्रम सेठ ने। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका देखिए नमिता गोखले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमिता गोखले आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक यस अंगेस्ट आर्ट्स लिखी थी, साइना नेहवाल, अनिल कुंबले, युवराज सिंह या फिर सानिया मिर्जा ने। तो यहाँ पर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, सानिया मिर्जा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सानिया मिर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में ये देखिए पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी, अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी, शत्रुघ्न सिन्हा, शाहरुख खान, करण जौहर या फिर खुशवंत सिंह। तो भाई किसने लिखी थी, तो ये जो लिखी थी ये लिखी थी करण जौहर ने। भाई किसने लिखी, भाई करण जौहर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, करण जौहर, क्या, करण जौहर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में प्रसिद्ध के लिए जुनून का वर्णन किया, तो विक्रम सेठ, अनिल मेनन, अमित त्रिपाठी या फिर अरविंद अडिगा। तो यहाँ पर 74 में देखेंगे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, किस विषय ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया, तो अरविंद अडिगा यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, यहाँ पर देखें लोन फॉक्सिंग डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ 75 नंबर में देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए रस्किन बॉन्ड, हाँ रस्किन बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक जो है ना रस्किन बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया, भाई द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया, के आर नारायण और आपका प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, वाई के गुजराल। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, 76 में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम, द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया एपीजे अब्दुल कलाम ने, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई हो जाएगा। पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है, भाई अग्नि की उड़ान के लेखक 77 नंबर देखिएगा,
पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक जो है ना, यहाँ पर आपको बताना कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर वीवी गिरी। तो यहाँ पर देखिए विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। यहाँ पर आपको सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन चेयर पुस्तक के लेखक कौन है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन चेयर के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, नटवर सिंह, प्रियंका वाड्रा या फिर सोनिया गांधी या फिर जयराम रमेश। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जयराम नरेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयराम रमेश आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इनके द्वारा लिखी गई निम्नलिखित पुस्तक थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर देखेंगे कह रहा है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। यहाँ पर 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो यहाँ पर आपको बताना है, सभी को पता होगा आई डू व्हाट आई डू, वो आई डू व्हाट आई डू लिखी गई थी, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पूर्व गवर्नर आपकी रघुराम जी राजन थे, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी आई डू व्हाट आई डू, और या फिर थी एक द थर्ड पिलर, और एक इसमें थी इनकी फॉल्ट लाइन्स हाउ हिडन। तो ये तीन आपके देखिए यहाँ पर हो जाएंगे बिल्कुल, यहाँ पर देखिए द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेटिक और ये कार्डेक टावर की ये जो है ना, ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये आपके सूर्य प्रकाश द्वारा लिखी गई थी, सूर्य प्रकाश द्वारा लिखी गई थी। दानसीन इंदिरा गांधी, तो इसकी बात करेंगे तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, केपी माथुर के द्वारा, केपी माथुर के द्वारा लिखी गई द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, तो यहाँ इनके द्वारा अरुंधति राय के द्वारा ही लिखी गई थी। तो चलिएगा राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो चुका है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था, किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था, यहाँ पर 18 नंबर का करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो भाई किस पर लिखा गया था, ये आपका लिखा गया था महात्मा गांधी के जीवन, किस पर, महात्मा गांधी पर लिखा गया था, महात्मा गांधी की आत्मकथा, यह आत्मकथा इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, 81 नंबर, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखित साहित्यिक रचना है, तो पाथेर पांचेली, झूठा सच या फिर गोरा और घरे बाइरे या फिर गढ़ देवता, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा 81 नंबर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, गोरा और घरे बाइरे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, कह रहा है इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शिव खेरा सरोजिनी नायडू या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन या स्वामी विवेकानंद। तो इंडियन फिलोसफी पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके डॉक्टर एस राधा कृष्णन आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेंड्रो कह रहा है टेंडसेडेस नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व पर लिखी गई, जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर महात्मा गांधी, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसका 83 का करेक्ट आंसर करना है भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई, एपीजे अब्दुल कलाम तो और इनके साथ थे अरुण तिवारी, दोनों के द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर भाई बनेगा। कैराटे डोस नामक जीवनी निम्नलिखित दूसरे किसके द्वारा लिखी गई, तो अभी बताया भाई कि किसके द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है मालगुड़ी नामक काल्पनिक गांव व इसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको बताना है भारतीय लेखक कौन हो जाएगा आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्क राजानंद या आर के लक्ष्मण या फिर आर के नारायण। तो यहाँ पर देखिए मालगुड़ी नामक काल्पनिक गाँव व इसके आसपास क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए प्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है, तो ये आपके आर के नारायण हो जाएंगे, डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मालगुड़ी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है, किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है, तो आपको अभी बताया किसके द्वारा, आर के नारायण के, आर के नारायण आपका यहाँ पर राइट आंसर भाई बनेगा। यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती तो बेहतर है कि यह ना आए, यह कहा था किसने, एस टी कॉलरिज ने या फिर डब्ल्यू वुड्सवर्थ ने या जॉन किट्स ने या फिर जॉन टेरी ने, तो भाई ये किसने कहा था, ये जो कहा था आपका देखिए सी नंबर, जॉन कीट्स आपका यहाँ पर,
सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, जॉन कीट्स इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में कही जाती तो आपका जॉन कीट्स हो जाएगा सी नंबर, आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, 87 का देखेंगे क्या हो जाएगा। कह रहा बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करे जो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा अंतर पैदा करती हैं। तो द फाइनल बैलेंस, द ग्लास पैलेस, या फिर मिड नाइट चिल्ड्रंस, या फिर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा अरुण सौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। अरुण सौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के आपके लेखक हैं। अनीता देसाई, अनीता गेट्स बिल, अनीता गेट्स ऑफ लाइफ, या फिर अनीता गेट्स दी बॉल। तो यहाँ पर आप देखना है किसके लेखक हैं। तो यहाँ पर आप देखें अनीता गेट्स बेल आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक के लेखक कौन है, अरुण सौरी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माला डीज द्वारा लिखी गई, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माला डीज द्वारा लिखी गई, तो नयनतारा सहगल, या झुंपा लाहिड़ी, अरुंधति राय, या फिर शोभा डे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका झुंपा लाहिड़ी। क्या हो जाएगा भाई, झुंपा लाहिड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस खिलाड़ी को की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया। तो यहाँ पर आपको बताना है किस खिलाड़ी का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया था, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, या विनोद कंबाली, या फिर कपिल देव। तो यहाँ पर आपको नाम बताना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सचिन तेंदुलकर क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस खिलाड़ी की जीवनी का प्रकाशन शीर्षक प्लेइंग इट माई वे था, प्लेइंग इट माई वे था। तो ये आपको बताना है किसका था, अभी बताया हमने किसका था भाई, ये आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। किसका, डी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्ना ऑफन केस टू आवर हावर पुस्तक का लेखक कौन है। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस के आपके बताना पुस्तक का लेखक कौन है, 92 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर सुनीता नारायण, या शिवेंद्र शेखर, या फिर किरण दोषी, या फिर दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ 92 का आपका बनेगा किरण दोषी आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा, किरण दोषी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे आप सभी लोग। करा पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक है, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक हैं सुमित्रा महाजन, तरुण विजय, या फिर एस एम खान, या फिर केसी पंत। तो यहाँ पर 92 में 93 में देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए एम एस खान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम एस खान बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक का नाम बताएं, वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक का नाम चेतन भगत सिंह, मालगुडी, या ब्रैंड स्टोन, या फिर अश्विन सांघवी। तो यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर करना है, वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक का नाम हो जाएगा चेतन भगत। क्या हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, चेतन भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी, तो भाई कपिल देव, अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, या फिर रवि शास्त्री। तो भाई क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी थी, तो भाई ये लिखी थी भाई किसने, कपिल देव ने। किसने लिखी, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपिल देव बिल्कुल ही राइट आंसर। 96 जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी के सुस्पष्ट कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा, भारतीयों के सहयोग से, या बल प्रयोग द्वारा, भारतीयों के सहयोग के बिना, या अन्य विदेशी ताकतों द्वारा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा तो ए नंबर आपका बनेगा, भारतीयों के सहयोग से। क्या हो जाएगा, भारतीयों के सहयोग से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन जाएंगे, कह रहा आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है भाई। आर के नारायण के भी बारे में बात बताया था किस पुस्तक के लेखक नहीं है, टू लीव्स एंड ए बर्ड, या फिर बैचलर ऑफ आर्ट, या फिर द इंग्लिश टीचर, द वेंडिंग फॉर द महात्मा। तो यहाँ पर आपका देखिए आर के नारायण जो है ना आपके ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू लीव्स एंड बर्ड के लेखक नहीं है, टू लीव्स एंड बर्ड के लेखक नहीं है। आर के नारायण की प्रमुख कृतियां भाई कौन थी, वेटिंग फॉर द महात्मा, द इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट थी, डिमोन्स एंड अदर्स थी,
द वर्ड ऑफ नागराज थी, बहुत सारी थी यहाँ पर याद रखेंगे। और जो हमने बताई थी टू लीव्स एंड बर्ड की बात करी थी, ये तो किसकी है, ये थी भाई मुल्क राज आनंद की। किसकी है? मुल्क राज आनंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स के बेहतरीन काम के लिए 2015 मेन पुरस्कार के विजेता कौन रहे। तो भाई कौन रहे, तो यहाँ पर आपको देखिए पता होना चाहिए मार्लोन जेम्स रहे। मार्लोन जेम्स आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नाटक शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसने किसके द्वारा लिखी गई थी? श्री वेदव्यास, श्री तुलसीदास या भरत मुनि या फिर कश्यप मुनि। तो यहाँ पर आप 99 में देखेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा भरत मुनि के द्वारा। क्या हो जाएगा? भरत मुनि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, टू किल ए मार्किंग बर्ड के लेखक कौन है। टू किल ए मार्किंग बर्ड के लेखक कौन है? उम्बर्टो इको या फिर सलमान रुश्दी या फिर जे के। देखेंगे, कह रहा है विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। तो विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, यह आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, भोजपुरी, डोंगरी, मराठी या मैथिली? तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथिली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्यापति भारतीय साहित्य भक्ति और परंपरा के जो प्रमुख स्तंभों में से एक, मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में माने जाते हैं। तो यहां पर आपका देखिए सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो भाई किसने भारत की आत्मकथा करना होगा, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसने लिखी थी? तो बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। बी नंबर देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे नीरज सिंह चौधरी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नीरज सिंह चौधरी यहां पर आपका करेक्ट आंसर। देखिए नीरज सिंह चौधरी ने भारत की आत्मकथा लिखी थी, है ना। तो नीरज बंगाल के विद्वान अंग्रेजी लेखक हुआ करते थे। तो यहां पर आप देखेंगे बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब कहा आया, कह रहा है इनमें से किसे लेडी विद्या लैम्प का खिताब दिया गया। लेडी विद्या लैम्प का खिताब दिया गया तो किसको दिया गया है? मैडम कामा को, एनी बेसेंट को या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगल को या फिर सरोजिनी नायडू को। तो किसे यहाँ पर आपको बताना है लेडी विद्या लैम्प का खिताब दिया गया था। भाई बिल्कुल देखिए बी नंबर आपका फ्लोरेंस नाइटिंगल को दिया गया था, इसको याद रखेंगे। बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। देखिए जो आपके फ्लोरेशन नाइटिंगल को आधुनिक जो है ना आधुनिक नरगिस आंदोलन का जन्मदाता भी माना जाता है। इसका मतलब क्या होता है, लेडी विद द लैंप दीपक वाली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कहे हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक आपको बताना है कौन है, दीन बंधु मित्रा, सुब्रमण्यम भारती, भारतेंदु हरिश्चंद या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक आपको बताना है दीन बंधु मित्रा या फिर सुब्रमण्यम भारती या फिर भारतेंदु हरिश्चंद या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहां पर आपको राइट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल देखिए यहां पर जो आपका राइट आंसर बनेगा डी नंबर बनेगा, डी नंबर आनंद मठ उपन्यासकार के जो लेखक हैं आपके, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से बिल्कुल ही लिया गया है। किससे? आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत कल ही आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मेकिंग इंडिया जो आपके एंसम जो बोला जाता है पुस्तिका के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा डी नंबर चेतन भगत सिंह, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ सभी लोग, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक आपको बताना है, मेकिंग इंडिया एंसम के पुस्तक कौन थे। देखिए यहाँ पर चेतन भगत थे और यहाँ पर बात करेंगे स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक आपका नाम बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे कपिल देव या फिर सुनील गवास्कर। तो स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक आपके सुनील गवास्कर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जून 2015 में प्रकाशित आपका दिया गया है ट्रांसडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी पुस्तक के इनमें से कौन से राजनीतिक लेखक हैं? तो APJ अब्दुल कलाम, या फिर ममता बनर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर जो बनेगा APJ अब्दुल कलाम, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद जो आपका दिया गया है प्रमुख स्वामी जी पुस्तक के लेखक हैं, तो यहाँ पर आपके APJ अब्दुल कलाम बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है भाई? इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक शोभा डे, अरुंधति राय, उपुल जयकर, या फिर RKR नारायण। तो यहाँ पर आपको बताना है इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक का नाम क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, इंदिरा गांधी की जो जीवनी के लेखक का नाम क्या है, उपुल जयकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपुल जयकर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गीत अमार सुनार बांग्ला के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद चटर्जी, या फिर चित्तरंजन दास, या फिर विपिन चंद पाल। इसको बताया था, इसका राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल देखिए, जो आपका गीत है अमार सुनार बांग्ला, तो इसके रचयिता जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, अमार सुनार बांग्ला, मेरा सोने का बंगाल, या मेरा सोने जैसा बंगाल, इसका मतलब है बंगाल का राष्ट्रीय गान है। उसे जो है ना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था। तो टैगोर ने इसे बंग भंग के समय सन 1906 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई? तो यहां पर आपको बताना है कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। तो 110 नंबर का आप करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल देखें, रिबूटिंग इंडिया, या मर्जिंग इंडिया, फिर अनचटेबल, या फिर द लाइफ ट्री। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखिए, द लाइफ ट्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई थी यह किताब जो है ना, 26 कविताओं की एक बिल्कुल दुर्जेय व्याख्या है। इसमें 26 कविताओं की पूरी इसमें व्याख्या दी गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना, आपका देखिए नीलांजना दुसेना दुसेना कौन है, जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? संजयान को, माली को, या झुंपा लाहिड़ी को, या फिर नंदानर को? तो भाई क्या हो जाएगा, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है, जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा झुंपा लाहिड़ी, आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी नंबर, झुंपा लाहिड़ी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। कंट्री माई लाइफ है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक। किसकी भाई? लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ सभी लोग, यहाँ पर कह रहा है लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? यहाँ पर आपको बताना है शरद पवार की, या शशि थरूर की, या फिर चेतन भगत की, या फिर प्रणब मुखर्जी की। लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? तो भाई ये किसकी है भाई? शरद पवार, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, किसकी आत्मकथा है? शरद पवार यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा। हाँ, शरद पवार इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? शरद पवार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टेनिस में किसे कैन नॉट मिस स्विम उपनाम से जाना जाता है? टेनिस में किसे कैन नॉट मिस स्विम आपको बताना है उपनाम से जाना जाता है। परमाणविक, या मारिया सोरोपा, या फिर मार्टिना हिंग्स, या फिर सेरेना विलियम्स। तो किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है मार्टिन गाय हिंगिस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। 50 नंबर देखेंगे, कह रहा है प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम है, सैम त्रिपोदा है, नंदन नीलेकर कड़ी है, या फिर अंजीम प्रेमजी हैं? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा
तो बिल्कुल देखिए बी नंबर आपका सैम त्रिपोदा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, सैम पित्रोदा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज 2016 के विजेता कौन रहे? यहां पर आपको बताना, द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज 2016 के विजेता कौन रहे थे? यहां पर आपको बताना है कौन रहे थे। बिल्कुल यहां पर देखिए पॉल बीटी रहे थे। कौन रहे थे? पॉल बीटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द सेल आउट नामक पुस्तक के विजेता। कह रहा हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो यहां पर आपको बताना है 170 में आपको करना है क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको बताना है हैरी पॉटर द कस्ड चाइल्ड या फिर हैरी पॉटर एंड द डेप्थी फेलोस या फिर सी नंबर या डी नंबर। तो 70 नंबर में आपको बताना है हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? बिल्कुल देखें यहां पर आपका हो जाएगा हैरी पॉटर एंड द कस्ट चाइल्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेडीज कह रहा है, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो यहां पर आपको देखना है क्रिस एवर्ट, जॉन एलन मैकनरो या फिर स्टेफी ग्रॉफ का या फिर आर्थर एस का। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे आपका हो जाएगा आर्थर एस यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? डेज ऑफ ग्रेस टेनिस लीजेंड की जीवनी है आर्थर एस का, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर भाई हो जाएगा। पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर आपका देखिए जयराम नरेश आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जयराम नरेश यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। कह रहा हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक आपके कौन है? निराला है, पंत है या मोहन राकेश या प्रेमचंद? आधे अधूरे के देखिए यहाँ पर आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो आपका बिल्कुल आपका सी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? जो आपका पूरा पूर्ण एक कुंभ मेला है कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए हर 8 वर्ष में या 6 वर्ष में, 4 वर्ष में या 12 वर्ष में। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर 12 वर्ष आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 12 वर्ष में आपका राइट आंसर हो जाएगा, हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाता है? नवंबर में कह रहा भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है? तमिलनाडु है, गुजरात है, आसाम है या मणिपुर है? तो भाई कौन सा राज्य हो जाएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन करा चुके हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। जो संघाई महोत्सव है प्रत्येक जी है ना 21 से 30 नवंबर के मध्य होता है, कहाँ पर? मणिपुर राज्य में होता है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में होता है। बिल्कुल भाई राइट आंसर आ रहे हैं रेशमा। बिल्कुल देखिए कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? जो भाई आपका कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है ये आपको बताना है, मुर्गों की लड़ाई से, भैंसों की दौड़ से या फिर आदिवासी नृत्य से या सांड की लड़ाई से? यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे भैंसों की दौड़ से, जो तो कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार है वो भाई किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़ से भाई संबंधित है। यह त्यौहार जो है ना ग्रामीण इलाके में बिल्कुल मनाया जाता है, जो भगवान शिव के अवतार जो कंदरी मुंजनाथ को समर्पित करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा है गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? गणगौर है ना भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये आपका राजस्थान है या गुजरात है, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? तो ये कहाँ का है भाई गणगौर? भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान का। गणगौर कहाँ का भाई? राजस्थान का। इसको याद रखेंगे राजस्थान का है, ठीक है ना, प्रसिद्ध त्यौहार। ओणम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ओणम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है लिया गुजरात। तो ओणम देखिए, ओणम जो है ना केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ओणम जो है ना केरल का सबसे महत्वपूर्ण एक त्योहार है। यह त्योहार खेतों की फसल की अच्छी उपज के लिए विशेष तौर पर मनाया जाता है।
इस मौके पर केरल में जो है ना बोट नौका रेस का भी आयोजन करवाया जाता है। तो ओणम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ का भाई, केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो शिवरात्रि है, नवरात्रि है, बिहू है या बैसाखी है? तो भाई क्या हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा 126 का? तो कह रहा है डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है, तो ये आपका देखिए आपका भारतीय त्यौहार है, आपका नवरात्रि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे भारत में वर्ष मनाया जाता है यह त्यौहार, गुजरात का प्रमुख त्यौहार है, जिसमें क्या डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसाम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव का कौन सा है मौसम? तो यहाँ पर आपको टुसू पर्व या फिर बोंगामू बिहू या मकर संक्रांति या फिर पोंगल। तो यहाँ पर देखिए फसल कटाई समय आपको कौन सा गाना गाया जाता है, तो सब पता होगा असम का कौन सा है, बिहू। बिहू आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा, बिहू राइट आंसर बनेगा। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ईस्टर का जो त्यौहार है ये देखिए आपको मनाया जाता है कब, संडे को मनाया जाता है, रविवार को। ईस्टर का त्यौहार कब मनाया जाता है? रविवार को। ईस्ट मतलब संडे, ईसाइयों का महत्वपूर्ण भाई धार्मिक पर्व है ये त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैराको प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, क्रिसमस को, मकर संक्रांति को, दिवाली को या गुड़ी पाड़वा को? किसको भाई प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, सभी को पता होगा। दीपावली को क्या कहा जाता है? दिवाली को प्रकाश का त्यौहार आयोजित किया जाता है, छापर मेला आयोजित किया जाता है, बिहार में, पंजाब में, उड़ीसा में या गुजरात? तो भैया कहाँ पर छापर मेला आयोजित किया जाता है, तो पंजाब में। कहाँ? पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छापर मेला पंजाब के लुधियाना जिले में, बिल्कुल याद रखेंगे, छापर मेला पंजाब, छापर मेला कहाँ, पंजाब। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? सामाजिक त्यौहार जो त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा है, तमिलनाडु है, असम है या फिर कर्नाटका है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर बनेगा, उड़ीसा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? सबसे बड़ा बर्फ त्योहार कौन सा आयोजित करता है, सबसे बड़ा देश? चीन है, फिनलैंड है, रूस है या फिर स्विट्जरलैंड है? तो विश्व का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल जो है ना चीन के हार्बिंग शहर में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चीन हो जाएगा। कहाँ हार्बिंग मनाया जाता है? चीन में मनाया जाता है, ठीक है ना, आइस फेस्टिवल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार है भाई, दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार है आपको बताना है, केरल में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या कश्मीर में? चलिएगा, दुर्गा पूजा आपको बताना है कहाँ का हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। दुर्गा पूजा जो है ना का मुख्य त्यौहार कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का भाई मुख्य त्यौहार है। ये पूजा जो है ना बंगाली जो पंचांग के छठे माह के महीने में मनाया जाता है। चलिएगा यहाँ पर आपको नेक्स्ट देखना है क्या हो जाएगा, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई, रण उत्सव की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन करा चुके, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव आपका मनाया जाता है गुजरात में। कहाँ भाई? गुजरात में आपका मनाया जाता है, गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात कच्छ के रेगिस्तान में किया जाता है, इसका जो आयोजन किया जाता है कच्छ के रेगिस्तान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, दिसंबर से पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा त्यौहार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल का त्यौहार क्या हो जाएगा, हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है नागालैंड का सबसे महोत्सव, हर वर्ष दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में भाई मनाया जाता है। इस समारोह में क्या होता है, नृत्य प्रदर्शन होता है, शिल्प और परेड जैसे खेल आदि इत्यादि बहुत सारे आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये जो हॉर्नबिल त्यौहार है आपका कहाँ का है, इसको याद रखेंगे, नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, अब इसको बताएंगे भाई सभी लोग, इसका राइट आंसर करेंगे, जो हॉर्नबिल त्यौहार है आपका कहाँ का है, नागालैंड का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा में? तो लोसुंग जो त्यौहार है कहाँ लोकप्रिय है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो
जो आपका लोसुंग या फिर लोसुंग सिक्किम राज्य का लोकप्रिय त्योहार है। सिक्किम राज्य का कहाँ का भाई? सिक्किम राज्य का लोकप्रिय त्योहार है जो मुख्यतः बौद्ध धर्म वाले व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? जो बौद्ध धर्म के व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भोटिया और लेपचा तथा नेपाली समुदाय के भी लोग रहते हैं, कभी कभी पूछ देता है ये भी। तो 38 नंबर जाएंगे, कह रहा है इनमें से किस राज्य में हर वर्ष लुसंग त्योहार मनाया जाता है? हर वर्ष भाई लुसंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो अभी जस्ट बताया हमने, तो कहाँ पर लुसंग त्योहार? सिक्किम। याद रखेंगे लुसंग कहाँ, सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में किस में लगता है? तो भाई उज्जैन में लगता है, ग्वालियर में लगता है, भोपाल में लगता है, फिर इंदौर में। जो कुंभ मेला है मध्य प्रदेश में भाई कहाँ पर लगता है? तो भाई कुंभ मेला जो है ना मध्य प्रदेश में आपका देखिए कहाँ पर लगता है? उज्जैन में लगता है। कुंभ मेला जो है ना मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जो है ना, ये शिप्रा नदी के किनारे भी लगता है। याद रखें कभी नदी पूरे शिप्रा नदी के किनारे लगता है। तो ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट देखिए, और कहाँ कहाँ पर लगता है? जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है यहाँ पर भी लगता है, इलाहाबाद जिसको बोलते हैं, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, यहाँ पर देखिए चार जगह पर लगता है। हरिद्वार आपका प्रयाग हो जाएगा, प्रयाग हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, नासिक, चार जगह कुंभ मेला लगता है। हर 12 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है, ठीक है ना? प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। जल्लीकट्टू क्या है भाई? देखिए कल ही क्वेश्चन आया था, जल्लीकट्टू बताना है आपको। तो जल्लीकट्टू क्या है? एक टैंक खेल है या फिर सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है भाई? जल्लीकट्टू भाई बताना है क्या हो जाएगा। तो जल्लीकट्टू जो है ना, ये देखिए आपका क्या है, तमिलनाडु का एक ग्रामीण इलाकों का एक परंपरा, तमिलनाडु का मतलब एक तरीके से खेल है ग्रामीण इलाकों का। तो ये क्या हो जाएगा? सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल होता है जल्लीकट्टू। तो क्या होता है? सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल होता है। बैल को काबू में करने वाला त्योहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? कहाँ पर लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? केरल है, पंजाब है, तमिलनाडु है या फिर मध्य प्रदेश? अभी हमने बताया जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, तो अभी आपको बताया तमिलनाडु। आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई वो बनेगा। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आया, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई ये सांडों को वश में करने वाला जो है ना जल्लीकट्टू, आपको बताया है हमने केरल में मनाया, सॉरी तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु। आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए फेमस है? स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है या फिर केरल है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना हो डी नंबर, नए साल की शुरुआत। आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा, नए साल की शुरुआत, यहाँ आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 45 नंबर आ चुका है, मकर संक्रांति क्या है भाई? मकर संक्रांति बताना है भाई, मकर संक्रांति क्या है? यहाँ इसको राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है, मकर संक्रांति क्या है? तो भाई चंद्र ग्रहण है, फसल काटने का त्योहार है या फिर पतंग महोत्सव है या कठपुतली का तमाशा है? तो यहां पर आपको बताना है भाई मकर संक्रांति क्या है। तो मकर संक्रांति आपको बताना है क्या भाई, देखिए मकर संक्रांति क्या है, यहाँ पर पतंग महोत्सव क्या हो जाएगा? सी नंबर। मकर संक्रांति जो है ना हिंदुओं का भाई प्रमुख त्यौहार है, यह भारत में नहीं बल्कि नेपाल में भी भाई धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पतंग महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे दान का पर्व भी कहते हैं, है ना? दान का पर्व उत्तर भारत में इसको कहा जाता है। इस त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे बिहार में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से और पंजाब में इसको लोहड़ी के नाम से जानते हैं और आसाम में इसको माल बिहू के नाम से जाना जाता है। तो बहुत अच्छा त्यौहार है, यहाँ पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, तो ये देखिए पतंग महोत्सव है। आप 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित के बीच सा है, किसके बीच भाई समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। तो ये किसके बीच समानता है? उत्तरी भारत के सभी पर्व हैं या फिर यहाँ पर देख रहा कह रहा है सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई हैं और या फिर सभी पर्व जनवरी महीने के लिए फेमस हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे आप सभी लोग, यहां पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा, सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई हैं, मकर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? भारतीय होली कैसे मनाते हैं? एक दूसरे का मजाक बनाकर, एक दूसरे का रंग और पानी फेंककर, या दीप प्रज्वलन कर या कबूतरों का मुक्त करके? तो
यहां पर आपको बताना है भारतीय होली भाई कैसे मनाते हैं। तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा सभी को पता होगा, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर यहां पर भारतीय होली मनाई जाती है। तो बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा देखिए 48 नंबर, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। ऊंटों का जो है ना प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। उदयपुर है, थार मेला, कुंभ मेला या फिर पुष्कर मेला। उदयपुर है, तो यहां पर आपका पुष्कर आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा सिग्मो क्या है भाई। सिग्मो जो है ना, सिग्मो क्या है, यहां पर आपको बताना है सिग्मो क्या है। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, या फिर एक प्रकार की रंगोली, या फिर यहां पर कह रहा है डी नंबर भगवान शिव के नाम में से एक। तो सिग्मो भाई क्या है भाई, सिग्मो आपको बताना है क्या है। 49 नंबर देखेंगे, सिग्मो आपका क्या हो जाएगा। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है भाई, क्या है सिग्मो भाई, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव हो जाएगा। तो ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया, 15 क्वेश्चन यहां पर आपको रेगुलर मिलते हैं। कह रहा भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में, हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ चुका है सुदेश, किसका है सुदेश, सुदेश कुमार का। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था। किसको भाई सांख्यिकी रूप में घोषित किया था, तो यहाँ पर आपको बताना है राधा कमल मुखर्जी, या फिर धनंजय रामचंद्र गाडगिल, या शकुंतला देवी, या फिर प्रशांत चंद महालनोबिस। तो यहाँ पर आपको देखिए राइट आंसर करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आपका बनेगा, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, प्रशांत चंद महालनोबिस आपका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल यहां पर देखिए आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ब्राइट एजुकेशन की पाठशाला में। तो देखिए यहां पर आपके समान जागरूकता के सारे वो आपके पीछे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा भाई देखेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, वॉइस वगैरह क्लियर है बताएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको राइट आंसर करना है। यहां पर बताना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे करेक्ट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ चुका है 16 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 सितंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी को आपका मनाया जाता है देखिए सेना दिवस, ठीक है ना, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है सेना दिवस। और इसके बाद देखिए तो आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस, इस दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों विजय दिवस। और 25 अप्रैल को मनाया जाता है क्या विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं भाई, विश्व जल दिवस आप बताइएगा, सभी लोग जल्दी सेंट करेंगे कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जल दिवस जो आपका 21 मार्च है, 23 मार्च है, 22 मार्च या 20 मार्च। तो विश्व जल दिवस जो आपका मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए पहली बार जो विश्व जल दिवस मनाया गया था तो 1993 में मनाया गया था, ठीक है ना, 1993 में ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारतीय इतिहास किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं। यहां पर आपको बताना किस दिन भाई स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या फिर 26 जनवरी 1930, या फिर यहां देखेंगे 14 अगस्त 1947। तो यहां पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, तो यहां पर बताना भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर याद रखेंगे आप 26 जनवरी 1930 आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर या फिर 12 नवंबर या फिर आपका हो जाएगा 6 अक्टूबर।
यहां पर आपको राइट आंसर करना है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो यहां पर देखिएगा आपका राइट आंसर जो बनेगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ना आपका यहां पर मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भाई, 14 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका बनेगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है यूएन डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं, यहां पर आपको बताना है प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं, तो यहां पर देखिएगा 26 दिसंबर या 5 सितंबर, 14 नवंबर या 24 अक्टूबर। तो भाई किस दिन मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक जो है ना दिवस प्रत्येक वर्ष आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना क्योंकि हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है ना। इसका मुख्यालय जो है ना आपका देखेंगे, इसका मुख्यालय है जो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, किसके, देखिए आपको बताना है किसके, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। तो यहां पर आपको बताना है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस है ना, युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखिए इनका जो वास्तविक नाम था स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था तो वो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था भाई, नरेंद्र नाथ दत्त, इनका जो वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, बिल्कुल याद रखेंगे। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यहां पर देखेंगे भारत में जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस है अभी बताया है कब मनाया जाता है, तो यहां पर देखेंगे 12 जनवरी, 12 जुलाई या 12-15 दिसंबर या फिर 12 नवंबर। तो भाई ये आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को, कब मनाया जाता है 12 जनवरी, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में पहली वर्षगांठ में चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस 14 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 10 जनवरी को या 26 जनवरी को। तो यहाँ पर देखेंगे भाई आपको बताना है कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई, 10 जनवरी आपको बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 10 जनवरी आपका। देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था आपका 10 जनवरी 1975 को कहां से, नागपुर में आयोजित हुआ था, 10 जनवरी 1975 आयोजित जो हुआ था आपका देखेंगे नागपुर से, कहां से, नागपुर से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, हाँ भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको देखिए बताया, अभी बताया आपने 14 सितंबर को, कब, 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर है, 22 नवंबर है या 21 मार्च है या फिर 21 जनवरी है। तो भाई ये आपका हो जाएगा 22 दिसंबर, कब, 22 दिसंबर आपका राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना प्रत्येक 22 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन क्या हुआ था, श्रीनिवास रामानुज का जन्मदिन होता है उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत की राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, एम एस स्वामीनाथन, श्रीनिवास रामानुजन या फिर सी वी रमन या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तभी बताया किसके गणित दिवस मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुजन के दिन मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस को 22 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के विकास में स्वदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन किया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा आयोजन किया जाता है, सभी को पता है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन क्या, भारत के विकास में जो विदेशी भारतीय समुदाय का योगदान है तो 9 जनवरी को हर साल देखिए मनाया जाता है। तो इस दिन क्या हुआ था, इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 से अपने देश लौटे थे, तो इस दिवस की मनाने की जो शुरुआत हुई थी सन 2003 से शुरू की गई थी,
तो प्रवासी भारतीय दिवस की जो संकल्पना है, तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर प्रवासी दिवस ही याद रखिएगा। कह रहा आप प्रवासी दिवस में क्या समझते हैं, यह कब से शुरू किया गया है? आप प्रवासी, आपको बताना है क्या समझते हैं कब से शुरू किया गया है। 63 नंबर यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में इसको स्मरण किया जाता है। तो आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भाई भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कब मनाया जाता है। 12 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 15 जुलाई को, या फिर 12 नवंबर को। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस अभी बताया कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका देखिए नौसेना दिवस का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका नई दिल्ली में आपका इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, सेना दिवस, हिंदी दिवस, किसान दिवस, बाल दिवस, तो भाई क्या मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे सेवा दिवस, सेवा दिवस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका 17 सितंबर को, 17 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हर साल को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है, यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपका यहाँ पर हो जाएगा 31 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो आपके है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को, उनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को क्या मनाया, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ याद रखेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। और आपका 19 नवंबर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 19 नवंबर को आपको मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस आपका मनाया जाता है 19 नवंबर को। तो चलिएगा यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारत 29 अगस्त को सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, किसको भाई राष्ट्रीय खेल, आपको बताना है श्री, या फिर मिल्खा सिंह, या मेजर ध्यानचंद, या फिर पीटी उषा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका देखिए हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। भारत 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मेजर ध्यानचंद जो है, इनका जन्म जो हुआ था 29 अगस्त 1905 को कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। वह हॉकी टीम के देखिए महान खिलाड़ी हुआ करते थे, ठीक है ना। इसी इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका खेल दिवस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, अब इसका राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस भैया कब मनाते हैं, ये देखिए आपका 29 अगस्त को मनाते हैं, कब मनाते हैं 29 अगस्त का आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, आपका देखिए यहां पर कह रहा भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को, 9 दिसंबर को, या फिर आपका 29 अगस्त को। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर आपका देखिए हो जाएगा 29 अगस्त, 29 अगस्त आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय सेना दिवस अब बताएंगे यहाँ पर कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को, 15 जनवरी को, या फिर 12 नवंबर को, या 15 जुलाई को। तो भाई यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 जनवरी, 15 जनवरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 जनवरी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि भारतीय वायु सेना दिवस आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस की बात करेंगे भाई, अगर कभी पूछ दिवस आप याद रखिएगा, ये मनाया जाए पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय नौसेना दिवस आपका, अब अगर भारतीय नौसेना दिवस पूछ दे, भारतीय नौसेना दिवस, नौसेना दिवस, ये आपको कमेंट करना, नौसेना दिवस, अगर भारतीय नौसेना दिवस पूछ दे तो ये आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर को, पीछे हम बता चुके हैं भाई इसका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है, अब यहाँ पर कह रहा है विश्व एनिमेशन के दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर, क्या हो जाएगा, 28 अक्टूबर, इसको याद रखिएगा 28 अक्टूबर, ठीक
बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। 20 फरवरी को रूप में मनाया जाता है, 20 फरवरी को किसके रूप में मनाया जाता है, सामाजिक न्याय के विश्व दिवस में, या फिर देखिए श्रवण भारती आ चुके हैं बी नंबर, या फिर था और या फिर विश्व विरासत दिवस, विश्व जल दिवस, या फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो यहाँ पर देखेंगे 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व वन्य जीव दिवस आपका किस दिन मनाते हैं, वन्य आपका वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य दिवस की बात कर रहा है, 3 जून को, 3 मार्च को, या 12 अप्रैल को, या फिर 8 सितंबर को। तो विश्व वन्य जीव दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल भाई इसको याद रखिएगा आप सभी लोग, 3 मार्च आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 3 मार्च आपका क्या हो जाएगा, 3 मार्च का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, विश्व वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, तो विश्व गौरैया दिवस देखिए भी आपको मनाया प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर गौरैया की बढ़ती संख्या का उत्सव मनाने के लिए, या फिर अन्य पक्षियों की तुलना में गौरैया की श्रेष्ठता दिखाने के लिए, या फिर गौरैया के संरक्षण एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए, या फिर डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर जो देखिए बिल्कुल एक आपका राइट आंसर बनाएगा सी नंबर, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, 76 नंबर, किस तारीख या तिथि को विश्व लाइन दिवस मनाया जाता है, लाइन दिवस आपका मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको करना है राइट आंसर। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सितंबर, या फिर यहाँ पर 10 अगस्त, या 10 जुलाई, या फिर 10 जून। तो यहाँ पर आपको लाइन दिवस के बारे में बताना है क्या हो जाएगा, तो ये आपका मनाया जाता है भाई 10 अगस्त को, विश्व लाइन डे जो मनाया जाता है 10 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा, बी नंबर। देखिए राइट आंसर आ रहे हैं शिवन, श्रवण और रेशमा, बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी दिवस हर साल कब मनाते हैं, हिंदी दिवस आपको बताना है, बिल्कुल अभी देखिए आप लोगों ने राइट आंसर किया था, तो हिंदी दिवस आपको बताना है कब मनाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा 14 सितंबर, 14 सितंबर देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है ना। देश के प्रथम प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को क्या बहुत ही महत्व दे दिया था, तो इसलिए क्या हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला हिंदी दिवस जो मनाया गया था तो आपका 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व विरासत जो इसको हेरिटेज बोलते हैं दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, या 9 अप्रैल को, या फिर 18 अप्रैल को, या फिर 25 मई को। तो यहां पर जो आपका देखिए हेरिटेज दिवस ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा 18 अप्रैल आपका राइट आंसर बनेगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं भाई, विश्व कैंसर दिवस देखेंगे कब मनाते हैं, 4 फरवरी, 5 मार्च को, 12 मई को, या फिर 23 अगस्त को। तो भाई विश्व कैंसर दिवस जो आपका मनाया जाता है तो याद रखेंगे आपका विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस आपको मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, मार्च के महीने मनाया जाता है, तो आपका देखिए कह रहा है बिल्कुल 88 नंबर, हाँ इसका देखिए करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका 6 मार्च, या 7 मार्च, या 8 मार्च, या फिर 9 मार्च, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी है महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल देखिए सभी को पता होगा 8 मार्च यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 मार्च यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष इस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो अभी बताया है हमने ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, कब मनाया जाता है भाई 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, पर्यावरण दिवस आपको बताना है 10 दिसंबर को, 5 जून को, 5 सितंबर को, 10 जून को। तो पर्यावरण दिवस आपको सभी को पता होगा यार, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर,
5 जून को क्या हो जाएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 दिवस को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। भाई यहाँ पर आपको बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये कब मनाया जाता है। T3 में देखेंगे तो 21 जून को, या 22 अप्रैल को, या फिर 21 जनवरी को, या फिर 21 मार्च को। तो देखिए शिवम भारती और रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखिए सभी को पता होगा कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है आपका आपका 21 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दिन क्या होता है, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, ठीक है ना, याद रखेंगे। पहली बार योग दिवस देखिए 21 जून को मनाया गया था 2015 में, ठीक है ना, 2015 में मनाया गया था। कह रहा है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। इंटरनेशनल योगा डे आपका ही क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभी, तो बिल्कुल देखिए आपका 21 जून यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, विश्व पर्यावरण दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो भाई देखिए विश्व पर्यावरण दिवस है ना, तो अभी आप लोगों ने बताया है 5 अप्रैल, 15 मई, या 5 जून, या फिर 15 जुलाई। तो चलिएगा इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग, तो ये आपका मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। पर्यावरण 5 जून 1974 को देखिए पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है जया भारती, बिल्कुल भाई। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आप बिल्कुल ही रट जाएंगे एग्जाम में, जब तक आपका एग्जाम होगा होगा भाई सारे क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस तक नहीं करेंगे, अगर यहीं पर पढ़ रहे हैं तब भी आप क्वेश्चन सारे रट जाएंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो आप फिर से बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 जून क्या हो जाएगा भाई, 5 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए आपका आया है, फिर से देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, यहाँ पर 5 जून ही हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो ये रट गया होगा। भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है, भारत का जो आपका संविधान दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है, भारत का संविधान दिवस आपको बताना भैया। हाँ बिल्कुल सही है भाई जया भारती, नमस्कार। बिल्कुल यहाँ पर बताना भारत का संविधान दिवस बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये आपका देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा भाई। तो 188 क्वेश्चन का बताएंगे, संविधान देखिए 24 नवंबर को, या फिर 25 नवंबर को, 27 नवंबर, या 26 नवंबर को। तो भैया जो आपका संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत गणराज्य का संविधान जो है ना 26 नवंबर 1949 को बनकर भाई तैयार हुआ था, इसी उपलक्ष्य में क्या होता है 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाते हैं। कब, 26 नवंबर 1949 को भैया, 1949 को क्या हुआ था ये बनकर तैयार हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में क्या भैया इसको मनाते हैं, क्या 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, भारतीय भारत का संविधान दिवस इसको मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस की बात कर रहा है, इसको करेंगे भैया राइट आप सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए आपके अगर पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्राफ की क्लास होगी, आज मैथ की क्लास है आपकी, ग्राफ की क्लास 10 बजे से चलती है, जिसमें आपको बिल्कुल ही ग्राफ बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है, जिसमें आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 89 का जो हो जाएगा आपको बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ चुका है श्रवण भारती का, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 22 अप्रैल होगा, क्या भाई हो जाएगा 22 अप्रैल हो जाएगा। विश्व जो है ना पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है ना, 22 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, करिएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं भाई, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं अभी बताया भाई, विश्व पृथ्वी दिवस आपको बनाते हैं 22 अप्रैल को, कब मनाते हैं भाई 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कुष्ठ रोगी दिवस, इंपॉर्टेंट भैया कह रहा कुष्ठ रोगी दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है, मनाया गया था पहली बार तो भाई कब मनाया गया था, यहाँ पर आपको कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाते हैं ये आपको बताना है। तो 25 दिसंबर या 17 जनवरी या 25 जनवरी या फिर 30 जनवरी, तो ये आपका मनाया जाता है 30 जनवरी, 30 जनवरी को। बिल्कुल देखिए राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस जो है ना 1955 से प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो है ना ये 2016 में 30 जनवरी को मनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका डी नंबर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, भैया भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस बताना है, अब इसको बताएंगे क्या कब मनाया जाता है। तो सभी लोग हाँ श्रवण श्रवण बिल्कुल भाई, देखिए
जया भारती भी। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस आपका देखिए 27 अगस्त, 28 अगस्त या 29 अगस्त या फिर 30 अगस्त, तो कब मनाते हैं? बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 29 अगस्त। भाई जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जो थे ध्यानचंद के जन्म जो सब प्रत्येक मतलब 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लगा लीजिए इसको। कह रहा भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा 24 दिसंबर या 25 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर। तो ये मनाते हैं भैया 25 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे, सुशासन दिवस जो है ना आपका 25 दिसंबर को मनाते हैं। 25 दिसंबर को भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्म दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, सुशासन दिवस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, कह रहा है यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर चयन करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार या फिर प्रतियोगिता का अधिकार या फिर निवारण का अधिकार। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं है यूएन कस्टमर बिल में, आपका बताना है यूएन कस्टमर बिल में। तो यहाँ पर आपका देखिए जो शामिल है प्रतियोगिता का अधिकार शामिल नहीं है, प्रतियोगिता का अधिकार भैया यहाँ पर शामिल नहीं है। तो आपका देखिए सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? जो आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है ये 15 मार्च को भी मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा है यूनिटार के लिए आपको बताना है, यूनिटार का फुल फॉर्म बताना है क्या हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ेंगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आपके 250 क्वेश्चन रेगुलर कराए जाते हैं, बस इस टाइम आपके देखिए प्रद्युमन यादव जी भी आ चुके हैं, 50 क्वेश्चन रेगुलर रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं, जिसमें अब तक जब तक एग्जाम होगा आपको यहाँ पर बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ देखिए 94 का सी नंबर, हाँ बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आप यूनिटार का फुल फॉर्म बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या संयुक्त राष्ट्र की एक दोस्तों एक एजेंसी है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो इसका जो इसका जो मुख्यालय है तो कहाँ पर है यूनिटार का, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम बताएं। 8वें, बिल्कुल देखिए जया भारती भी करेक्ट है, यहाँ पर बताना 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम बताना है। भाई यहाँ पर 10 बजे से आपके देखिए पीटी के लिए सिर्फ ग्राफ के लिए क्लास स्टार्ट हुई, आज आपकी तीसरी क्लास है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है, तो 10 बजे वाली क्लास में ध्यान से आइएगा भाई। तो 96 देखेंगे, 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखिए नाम था क्या था, बान की मून, क्या था भाई, बान की मून आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल देखिए हाँ सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, काफी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहे हैं। चलिएगा वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र पोस्टल डाक प्रशासन ने इनमें से किस शख्सियत की याद में भारतीय संगीत सम्राट का एक डाक टिकट जारी किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तभी इसको कर पाएंगे। तो किसने भाई इसको कह रहा है डाक टिकट जारी किया था? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेंगे पंडित रविशंकर या फिर आप करेंगे RD बर्मन या फिर MS सुबुलक्ष्मी या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, 10 वाली क्लास है उसमें जरूर आइएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा MS सुब्बलक्ष्मी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। 3 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जिनेवा सेकंड सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको किस देश के भविष्य को तय करने के लिए आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको अच्छे नंबर 10 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए जिनेवा सेकंड सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको किस देश में भविष्य में तय करने के लिए आयोजित किया था? तो भाई सीरिया, कौन था भाई, सीरिया था, सीरिया था भाई इसका, सीरिया था भाई, श्रवण भारती सीरिया था, याद रखेंगे। डी नंबर आपका करेक्ट था, यहाँ पर सीरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 2 क्वेश्चन बचे हैं और इसमें आपको राइट आंसर करना भाई, देखेंगे अगर कंप्लीट 10 नंबर करने हैं तो 2 क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग,
संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, पहले भारतीय कौन थे, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपके विजय लक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी या फिर एनी बेसेंट या फिर सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन से थे, यहाँ पर देखिए राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ एक देखिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी भैया? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो इसके देखिए पहली महिला कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी भाई? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर भैया, ए नंबर है जया भारती, डी नहीं, तो विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपका ये होगा, कह रहा उस एक एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसने कार्य किया है। देखिए आपका दिया है लिंडन बी जॉनसन या फिर जचरी टेलर ने या फिर जॉन क्विंसी एडम्स या फिर विलियम हावर्ड हावर्ड टॉप्स ने। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पर आप देखिए करेंगे उस एकमात्र अमेरिकी का नाम बताना है जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। तो भाई कौन थे, तो सभी को याद रखना है ये आपके देखिए कौन है, विलियम हावर्ड टाफ्ट आपका करेक्ट आंसर, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल। देखिए क्या थे ये, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ना रिपब्लिकन पार्टी के भाई नेता थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट हो चुके हैं, आप पर करेंगे गुड इवनिंग भाई। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, वॉइस वगैरह क्लियर है एक बार कमेंट करिएगा। तो चलिएगा, कह रहा रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, कहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए कहाँ पर रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय जो है ना आपका नीदरलैंड आपका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, नीदरलैंड आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना, नीदरलैंड आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड कहाँ है ये देखिए, द हेग जिसको बोलते हैं हेग, तो यहाँ पर आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है क्या, एशिया डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट या फिर न्यू ब्रिक्स बैंक। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसका नाम अब हो चुका है एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिक्स के देखिए पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। देखिए बी से आपका हो जाएगा क्या, बी से है आपका ब्राजील, ठीक है, आर से आपका हमने बताया था रूस या रसिया, और आई से आपका क्या बताया था हमने, इंडिया बताया था या भारत, ठीक है ना, सी से आपको क्या बताया था, चीन बताया था, क्या बताया था, चीन बताया था, चीन, और यहां से यस से आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका जिसको बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका, ये पांच देश हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए वर्तमान अब इसका नाम क्या बदलकर क्या रख दिया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का इसका नाम रख दिया गया है। इसका मुख्यालय जो है ना चीन के संघाई शहर में, इसका मुख्यालय कभी कभी पूछ देता है इसका मुख्यालय कहां पर है, चीन में है, चीन के संघाई शहर में। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स के अक्षर बी में किस देश को प्रदर्शित करता है, तो बी भैया किसको प्रदर्शित करता है, अभी हमने बताया है क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो प्रदर्शित करता है आपका ब्राजील को करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, ब्रिक्स जो है ना ब्रिक, ये जो आपका ब्रिक लिखा है, ब्रिक में कौन से देश हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ब्रिक में कौन सा देश है, यहाँ पर देखिए साउथ जो अफ्रीका है वो आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपका बी से ब्राजील हो जाएगा, रूस हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, और सी से आपका चीन होगा, कनाडा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, सी बनेगा, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो आपका दिया गया है यूएनडीपी केंद्रित है, तो यहाँ पर आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी केंद्रित है, आपको बताना वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर, विकासशील देशों पर या फिर अल्प विकसित देशों पर या फिर डी नंबर विकसित देशों पर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी किस पे केंद्रित है, ये आपका वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग इसका, कह रहा अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, तो कौन सा है जो भाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, यहाँ पर आपको बताना है, नाटो है, UNIWHO है, IGO है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जो बढ़ावा देता है आपका यूएन हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
यूएन आपका यूनाइटेड नेशंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो कि यूएन की कब हुई थी, यूएन की स्थापना कभी कभी पूछ देता है, 24 अक्टूबर 1945 को, कल ही बताया था कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुविधा बनाने का सहयोग करना उसमें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल आपका रिव्यूनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल आपका रिन्यूएबल आपका एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, अबू धाबी, दुबई, आपका शारजाह या कुवैत। तो यहाँ पर आपको बताना है इंटरनेशनल रिव्यूनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, ए नंबर अबू धाबी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर अबू धाबी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह में से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, आपका श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है या भूटान है। तो भाई यहाँ पर आपको बताना कौन सा संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल देखिए कौन सा संबंधित नहीं है, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार, आपका देखिए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है ना राइट आंसर आप करेंगे क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूएनएफ का विस्तार क्या, यूएफओ का विस्तार आपको बताना है क्या हो जाएगा, आपको करना है क्या हो जाएगा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या फिर अनक्रूड फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर डी नंबर या फिर ए नंबर। भाई इसका देखिए आपको क्या हो जाएगा, यूएफओ का आपका हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, आपका यहां पर करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर, हैदराबाद, मुंबई या जयपुर। तो यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर हैदराबाद, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, हैदराबाद बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। WWF का पूरा नाम क्या है, WWF का पूरा नाम आपको बताना क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, WWF का पूरा नाम जो आपको बताना क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका ONGC का मुख्यालय कहाँ है, भाई ONGC का मुख्यालय आपको बताना कहाँ पर है, ये आपको बताना डिब्रूगढ़ में है, कांडला में है, विशाखापट्टनम में या फिर देहरादून में है। तो ONGC का आपका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देहरादून, कहाँ पर, देहरादून आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, देहरादून आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, तो मास्को या न्यूयॉर्क या लंदन या पेरिस, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे भाई यूनेस्को का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर, पेरिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेरिस यहाँ बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इंटरपोल का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, ये आपको राइट आंसर करना है, तो यहाँ पर देखिए इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस, लंदन, लियोन या ब्रुसेल्स, तो इंटरपोल का जो मुख्यालय हो जाएगा आपका लियोन, आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा लियोन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आपका कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का वैश्विक वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है, इसका वैश्विक मुख्यालय आपका कहाँ पर है, तो इसका वैश्विक मुख्यालय आपका हो जाएगा फ्रांस, क्या हो जाएगा भाई, फ्रांस, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है IMO का विस्तारित रूप क्या होता है, IMO का विस्तारित रूप आपको बताना है क्या हो जाएगा, IMO का विस्तारित रूप होता है, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, इसका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। UNO का मुख्यालय स्थित है भाई, UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में, वाशिंगटन DC या फिर वियना में, तो UNO का मुख्यालय आप बताएंगे क्या हो जाएगा, UNO का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क आपका करेक्ट आंसर बनेगा, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना भी बताई है यूएन की, आपके स्थापना बताई 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर इसका 1945 का मुख्यालय जो है ना न्यूयॉर्क में है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह क्या कहलाते हैं, ध्रुवी कहलाते हैं, तुल्यकालीय या भूमध्यवर्गीय या फिर दीर्घवृत्ती, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कहलाते हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ पर आप कहलाते हैं तुल्यकालीय, आपका करेक्ट आंसर क्या कहलाते हैं भाई, तुल्यकालीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मंगल ऑर्बिटल मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया, 2012, 2013 या फिर 2014, 2015, तो यहाँ पर आपको बताना है किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2013 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के जो हरसिरी हरिकोटा सतीश धवन से अंतरिक्ष के अंशेष को प्रक्षेपित किया गया था। प्रियंका यादव बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। यहाँ पर देखेंगे आपका 20 नंबर, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, प्रथम द्वितीय या आपका तृतीय या चतुर्थ। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रयास के लिए मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, तो यहाँ पर आपको बताना है किसने प्रवेश किया था, तो प्रथम प्रयास के मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। ये नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रही मिशन से संबंधित है, अंतर्ग्रही मिशन से संबंधित है, तो आपका सरल है, आपका जुगनू है, मंगलयान है या फिर अनुसैट है, तो कौन संबंधित है यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिए अंतर जो है ना अंतर्ग्रही मिशन से संबंधित था, तो आपका देखिए मंगलयान, कौन सा भाई, मंगलयान यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मॉम शब्द का हाल ही में किससे संबंध में चर्चा में था, तो यहाँ पर आपको बताना है किस क्या चर्चा में था, तो आपका देखिए मंगलयान ही था, मंगलयान आपका करेक्ट आंसर सी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा नासा सॉरी चांद परमाणु को ले जाने वाला जो लूनार अभियान है, लूनार अभियान इसका नाम क्या था, लूनार अभियान का नाम बताना है या क्या था, आपका लोनो कोड 1 था, अपोलो 11 जूनियर या फिर विकिंग 1, तो इंपॉर्टेंट है इसको आपको बताना है। तो देखिए लूनार अभियान का जो नाम था अपोलो 11 था, क्या नाम था भाई इसका, अपोलो 11 था, याद रखेंगे अपोलो 11। यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, यान द्वारा जो आपका 20 वही तारीख थी 20 सात 1969 को नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे 20 सात 1969 को, इसके बाद आपके देखिए कौन गए थे, एडविन गए थे, है ना, एडविन गए थे चंद्रमा की धरती पर उतरे थे एडविन, बिल्कुल भाई अपोलो ही करेक्ट आंसर। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है, लूना है, लूना टेन है या फिर लूना पेलो, अपोलो 10 है या फिर अपोलो 11 है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए लूना 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लूना 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लूना 10 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाला पहला उपग्रह कौन सा है लूना 10 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे, कह रहा है चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन था, लूनार रोबोट या फिर लूनार स्पाइडर नाट या फिर लूनार रोवर या फिर लूनार चैलेंजर, कौन सा था भाई, बिल्कुल देखिए रुचि कुशवाहा, गुड इवनिंग भाई, तो यहाँ पर देखेंगे गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, तो यहाँ पर आपको बताना है चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन था, तो यहाँ पर आपको बताना कौन था, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए लूनार रोवर आपका बताया था, क्या था लूनार रोवर, लूनार रोवर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इनमें से कौन भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था, वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा, इनमें से कौन भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था, आदित्य था, अवतार था और आपका देखिए चंद्रयान 5 था या फिर एस्ट्रोसैट था, तो कौन था प्रथम चंद्रमा मिशन आपका यहाँ पर कौन था, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद्रयान 5 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है चंद्रयान 5, उची कुशवाहा के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय यहाँ पर आप कर ले रवीश मल्होत्रा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या राकेश शर्मा, तो यहाँ पर पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर देखिए सभी लोग बताएंगे सी नंबर राकेश शर्मा, राकेश शर्मा आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई, सी नंबर राकेश शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राकेश शर्मा राइट आंसर हो जाएगा, पहले भारतीय कौन थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, अब अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय भी कौन था, राकेश शर्मा थे, कल्पना चावला या फिर रवीश मल्होत्रा, सुनीता विलियम्स, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन थे, तो अंतरिक्ष यात्रा भी कर देखिए पहले कौन पहुंचे थे भाई भारत से, राकेश शर्मा पहुंचे थे, अंतरिक्ष यात्रा किसने की होगी, तो इन्होंने की थी, तो ये नंबर आपका राकेश शर्मा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा भारत का पहला आपको देखिए कह रहा भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है भाई, पिको उपग्रह कौन सा है, इनसैट है या फिर अनुसैट है या फिर इस्टूसैट है या फिर GSAT-4 है, तो यहाँ पर आपको बताना है भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बताना है 30 नंबर करेंगे क्या हो जाएगा, तो भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टर्ट साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर स्टर्ट साइड, बिल्कुल देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या था इसे PSLV-C15 द्वारा 12 जुलाई 2010 को लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2014 में इसरो ने किस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की थी, सबसे बड़ी सफलता थी, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी सफलता हासिल की थी, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है नंबर ए देखिए कह रहा है नीति भार वाहन का प्रक्षेपण किया, तुल्यकालिक उपग्रह का प्रक्षेपण किया, मंगल ग्रह को रॉकेट का प्रक्षेपण किया, मंगल परिक्रम सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा में प्रवेश किया, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या किया, तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, मंगलयान था जो आपका कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो अभी पता है चेन्नई से या श्रीहरिकोटा या ट्रॉम्बे,
या फिर गोपालपुर समुद्र पार से। तो ये भाई आपका कहां से, देखिए बताना है क्या कहा, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था। तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीकोटा, बिल्कुल ही यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का मंगलयान आपका 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो तो मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। 68 किलोमीटर की दूरी करने के बाद ये देखिए कहाँ पर चला गया, 14 सितंबर 2014 को, या फिर 30 सितंबर 2014 को, 21 सितंबर 2014 को, या फिर 20 सितंबर 2014 को। तो यहाँ पर आपको बताना है 33 नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 24 सितंबर 2014 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंगल ग्रह के कक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट कराने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा था। तो प्रथम राष्ट्र कौन सा था आपका, यूएसए था, यूके था, जर्मनी था, या भारत था, तो कौन सा था। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे मंगल ग्रह के कक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में पहली बार में जो इसने प्रवेश कराया था वो आपका कौन सा था, भारत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा, इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष कौन सा था, मंगलयान सेकेंड, मंगलयान, चंद्रयान, या फिर गगनयान। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, इसरो का पहला स्वदेशी मानव जो अंतरिक्ष मिशन था वो कौन सा था आपका। देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर आपका गगनयान बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, गगनयान बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 2004 में नासा द्वारा मैंने आपका मैसेंजर अंतरिक्षयान का अध्ययन करने के लिए भेजा गया, मैसेंजर अंतरिक्षयान का अध्ययन करने के लिए भेजा गया, शनि को, बृहस्पति को, या प्लूटो को, या फिर बुध को, किसको भेजा गया, ये आपको बताना है। 236 का करेक्ट आंसर आपको करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा बुध आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बुध आपका राइट आंसर बनेगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताना है। सूर्य था, आदित्य था, भास्कर था, या रवि था। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या नाम था, आदित्य L1 था, आपको पता होगा क्या था, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदित्य L1 आपका बिल्कुल था, आदित्य आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा है का नाम है, सूरज L1, रवि L1, सूर्य L1, आदित्य L1। तो यहाँ पर आपको 2019 में जो शुरू हुआ था उसका नाम क्या था यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आदित्य L1 क्या था भाई, बिल्कुल आदित्य L1 हो जाएगा, आदित्य L1 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आपका क्रायोजेनिक इंजन के विकास के महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए आपको, कह रहा है किनको प्रसिद्ध रूप से रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है, किसको भाई रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है, अशोक खड़ोलिया, के शिवान, प्रतीक वारवे, या फिर पवन चंदान। तो किसको जाना जाता है यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा के शिवान आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है, डॉक्टर के शिवान को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, या फिर AS किरण कुमार को, या फिर राकेश शर्मा को। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पर डॉक्टर के शिवान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट मैन के नाम से किनको जाना जाता है, के शिवान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है, GSAT से, PSLV से, गगनयान से, या फिर चंद्रयान से। तो भाई किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो ये भाई जाना जाता है चंद्रयान टू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रयान टू बिल्कुल आपका। देखिए 2008 में भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट जो है ना प्रक्षेपित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे जाना जाता है, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको देखिए बताना है, ये क्वेश्चन ओल्ड हो चुका है, चेंज हो चुका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको जाना जाता है, यहाँ पर आपका देखिए चेंज हो चुका है। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, तो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया यहाँ पर आपको बताना है किसने लॉन्च किया है। तो बिल्कुल देखेंगे आपका देखिए 1975, 1979, या फिर 1970, या फिर 1980। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1975 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत ने लॉन्च किया था आपका 19 अप्रैल 1975 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है ना, आर्यभट्ट का पहला उपग्रह था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था, क्या था, आर्यभट्ट, या फिर लगादा, ब्रह्मागुप्त, या फिर लल्ला। तो भाई इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर करना है, 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 245 का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई आर्यभट्ट, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा आर्यभट्ट, इसका राइट आंसर बनेगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया, तो बिल्कुल देखिए अभी बताया आर्यभट्ट का प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है 246 का करेक्ट आंसर जो बनेगा 1975, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया था, भारत में किस बार देखिए उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया था, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए आर्यभट्ट, किसको, आर्यभट्ट को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी, यहाँ पर बताना है 1969, 1962, 1971, 1975 कब की गई थी, ये आपको बताना है यहाँ पर, राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा 1969 आपका, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, ए नंबर, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ISRO इसरो का पूरा नाम क्या है, अभी पीछे बताया, पीछे वाले क्वेश्चन में था इसरो का क्या नाम है, पूरा नाम क्या है, भारतीय उपग्रह अनुसंधान संस्था, या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, या फिर भारत की अंतरिक्ष सुधार संस्था, या फिर भारत की सोलर अनुसंधान संस्थान, तो यहाँ पर आपको बताना है इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसका इसरो का मुख्यालय आपको बताना भाई कहाँ पर है, इसका राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हैदराबाद, बंगलुरु, श्रीहरिकोटा में या तिरुवनंतपुरम में, तो इसरो का जो मुख्यालय है आपका, तो बिल्कुल याद रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बंगलुरु, क्या हो जाएगा, बंगलुरु आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे, तो थैंक यू।